हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षित पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल को आल्प कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रसन्नता और संगति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। प्रसन्न व्यक्ति स्वतः ही सुंदर दिखने लगता है। प्रसन्नता जीवन का सौंदर्य है। चित्त की अप्रसन्नता में चेहरे का सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता। जीवन तो वही सुंदर है जिसमें चेहरे पर खूबसूरती हो या ना हो, मगर हृदय में प्रसन्नता हो तो चेहरा स्वतः ही चमकने लगता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितने सुंदर हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने प्रसन्न हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सकारात्मक सोच का भी पर्याय है। व्यक्ति की सोच जितनी सकारात्मक होगी उसका मन उतना ही प्रसन्न रहेगा। थोड़े में भी संतुष्ट रहेगा तो वह प्रसन्न रहेगा। सकारात्मक विचारों से ही जीवन में सकारात्मक नजरिए का निर्माण संभव हो पाता है और सकारात्मक विचार सदैव श्रेष्ठ संघ से प्राप्त होते हैं। उचित समय, किसी भी मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित समय, उचित सोच एवं उचित प्रयास, ये तीनों बातें अति महत्वपूर्ण हैं। उचित सोच प्रथमतः, सफलता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के पास उचित सोच का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सोच ही तो वह बीज है जो बाद में एक विशाल वृक्ष का रूप लेने लगता है। और उचित समय, उचित सोच के साथ साथ आपका समय भी बहुत उचित होना चाहिए, क्योंकि अनुचित समय पर किया गया बीजारोपण कभी भी अच्छी तरह अंकुरित नहीं हो पाता, और अगर अंकुरित हो भी गया तो वह उचित वृद्धि नहीं ले पाता। उचित प्रयास, उचित सोच हो, उचित समय हो, और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि उचित प्रयास भी ज़रूर हो, क्योंकि बिना यथा योग्य प्रयास के न समझ काम आती है न समय काम आता है। जहाँ उचित समझ, उचित समय, उचित प्रयास है, वहाँ सफलता भी हमारे चरणों को चूमने लगती है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।